आज हम बनाना सीखेंगे ऐसी सलवार, इसको बोलते हैं अफवानी सलवार। तो इसको सीखने के लिए दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको मेरे पैटर्न चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ ऐसी बनवानी है जिससे कि आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो ये देखिए दोस्तों, ये कपड़ा है सलवार का, ये तकरीबन 2.5 से पौने 3 मीटर है, तो ये कपड़ा ज़्यादा है। और ये नाप है इसकी, सलवार की जो लंबाई है वो 37 इंच है, इसकी मोरी 7 इंच है और इसकी हिप 47 इंच है, क्योंकि हिप का नाप ज़रूर होना चाहिए अगर आप सलवार बना रहे हैं, क्योंकि बेल्ट आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको हिप का नहीं पता होगा। इसमें हिप में हमें लूजिंग डाल के बेल्ट जैसे निकालना है वो निकाल लेंगे हम अपने तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर प्रेस भी अच्छी तरीके से ये लगा दी थी। अब प्रेस लगाने के बाद में देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस सलवार में ज़्यादा घेरा इसके अंदर नहीं आता है, इसमें आता है घेरा थोड़ा सा कम। तो देखिए इस तरीके से ये कन्नी से कन्नी मिलाएंगे, ये इस तरीके से डबल करके ये कन्नी से कन्नी इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड करेंगे और ये इस तरीके से ऐसे करके 4 फोल्ड में इसको रख लेंगे, ये देखिए ऐसे। देखिए हमने प्रेस इस पे पहले अच्छी तरीके से लगा ली थी तो कहीं ऐसी सिकुड़न नहीं है इसमें कि हमें प्रेस लगाने की ज़रूरत पड़े। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पहले सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद में इस तरीके से देखिए इसको देख लेंगे कि ये चारों पल्ले हमारे बराबर हैं, ये इधर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा तिरछा हो रहा है ये। इस तरीके से अब ये देखिए इसमें हम इसको निकालेंगे ऊपर 4 इंच, और ये इसका निशान लगाएंगे हम पूरा यहाँ पे 37 इंच, और इसमें हम लगाएंगे 3 इंच नीचे से इसका जो आएगा वो बॉर्डर आएगा, तो इसको कर देंगे हम इस तरीके से कम। तो ये हो गया हमारा 34 इंच, इस तरीके से 34 इंच पे ये निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरीके से कर देंगे पूरा सीधा, देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से काट देंगे। अब ये काटने के बाद में देखिए इसका जो घेरा आ रहा है वो सिर्फ 20 इंच आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज है। तो हम देखिए इसमें एक काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम छोटी मियानी, आप अगर चाहें तो इतने में भी बना सकते हैं, मगर ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो हमने इसलिए सोचा है कि थोड़ा सा खुला ही रहेगा तो अच्छी रहेगा। तो इस तरीके से देखिए जो कपड़ा ये बचा है इसको यहाँ से ऐसे करके रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से रखने के बाद में देखिए हम यहाँ से इसको इस तरीके से 5 इंच के करीब ये कपड़ा हम यहाँ पे ये लगाएंगे, और 11.5 इंच ये आसन का इस तरीके से, और ये हम कर लेंगे यहाँ से सीधा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा घेरा थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ से, और अगर आप इसको नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप सीधा ऐसे करके भी रख सकते हैं, और यहाँ पे आप इस तरीके से आसन का निशान लगा लेंगे जैसे हमने 11.5 लगाया है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसका थोड़ा सा घेरा ये बढ़ाया है तो ये यहाँ से आके ये हमारा आ जाएगा जब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसमें जब चुन्नट डालेंगे ना तो ये इस तरीके से कम होगी, तो ये अपने तरीके से ये आ जाएगी। तो ये देखिए ये पूरी इस तरीके से ये कटिंग हो गई। अब हमें इसका काट लेना है बेल्ट, तो देखिए बेल्ट काटेंगे इस तरीके से, ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से हमने
ये जो डबल में फोल्ड है इसको ऐसे खोल देंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे। देखिए हमने बेल्ट का जो है, वैसे और नॉर्मल सलवार में हम 5 इंच लेते हैं, जब कम इसका करते हैं तो 9 इंच का बेल्ट लेते हैं, इसको हमने 4 इंच करा है तो हम इसमें लेंगे 8 इंच। ये बेल्ट थोड़ा सा पतला आएगा इस तरीके से। ये देखिए, देखिए अब ये देखिए 47 इंच हमारी इसकी हिप है, 47 और 10 57 हो जाएगा, तो 57 का जो होगा हमारा 28 दूनी 56, ये 57 इंच हो गया इस तरीके से, 28.5 इंच 10 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट में मैं डालता हूँ। आप इससे कम भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, जो लोग कम बेल्ट पहनना पसंद करते हैं वो 6 इंच भी डाल देंगे तो भी हो जाएगा। ये देखिए अब हम यहाँ से इसको इतना दबा देंगे और इधर से दबा देंगे ऐसे करके, तो हमारा ये आ जाएगा 27 इंच, मतलब 54 इंच आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंच एक्स्ट्रा तैयारी में। तो इस तरीके से देखिए ये कटिंग मुकम्मल हो गई। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे इसके लिए चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से लेना है, ये 2 कली जो छोटी वाली हमने काटी थी इसमें हम इस तरीके से लगाएंगे ये सिलाई यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन से। ये देखिए और यहाँ पे इसको कर देंगे पक्का इस तरीके से। अब ये देखिए इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए ये इस तरीके से। अब इसको देखिए ऐसे करके ये खोल देंगे, और खोलने के बाद में इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे। और ये ऐसे करके सिलाई ये देखिए ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से ये लगा ली। अब ये दूसरा वाला पल्ला लेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे ये, और इसको ऐसे करके पलट देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये हल्का सा जो निकल रहा है इसको इस तरीके से छांट लेंगे। अब ये देखिए ये दोनों कली इस तरीके से लग गई। अब इसको ऐसे करके ये खोल देंगे, और ये दूसरी वाली कली जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे ऐसे, ये इस तरीके से लगा लेंगे। ये लगा के इसी तरीके से सेम दूसरी तरफ लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ मैंने इस तरीके से ये कलियाँ जोड़ ली हैं, और कलियाँ जोड़ने के बाद में देखिए अब हम इसमें इस तरीके से डालेंगे यहाँ से नीचे मोरी में जो है प्लेट। ये देखिए इस तरीके से ये लेंगे 1/2 इंच गहरी करीब ये प्लेट डालेंगे।
इस तरीके से देखिए, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से डालने के बाद में, और इसको इस नाप लेंगे तो ये आ रही है हमारी 17 इंच के करीब। तो ये हमारी आराम से आ जाएगी, मार्जिन भी आ गया। अब ये देखिए इसको एक इस साइड से डालनी है तो दूसरी इस साइड से डालनी है ताकि ये जवाबी पड़ जाए। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और ये देखिए इसको लेंगे ऐसे। अभी जो हमने डाली वो इस तरीके से डाली है, अब ये जो डालेंगे ये इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे करके, तो इसको ये डाल लेता हूँ अच्छी तरीके से ये पूरी, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से दोनों मैंने एकदम डाल लिए और दोनों बराबर ही आ गए। अब ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे, और जो हमारा ये सीधी तरफ है देखिए, इसका इस तरीके से ध्यान रखें कि जो सीधी तरफ है ये सीधा है हमारा, ठीक है, और ये उल्टा है। तो हम इसको इस तरीके से उल्टी की तरफ से रख देंगे, और रखने के बाद में हमने देखिए ये जो कमीज़ इसकी बनाई थी वो कमीज़ ये वाली है, ठीक है, तो उसमें ये प्रिंट था तो हम ये नीचे लगाएंगे। इससे क्या है कि कमीज़ का एकदम ये कंट्रास्ट मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभी देखिए हमने इस तरीके से 3 इंच चौड़ा ये पेस्टिंग लेके चिपका ली थी इसमें 26×66। आप पहले ही इसको चिपका लेंगे, और ये देखिए इसको ऐसे करके रखेंगे। ऐसे करके ये देखिए ऐसे करके, और फिर ये वाला भी इस तरीके से रख देंगे ऐसे पकड़ के। तो ये देखिए इसको मैं ऐसे लगा लेता हूँ ये सिलाई, उसके बाद फिर आपको दिखाऊँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने दोनों ये लगा दिए हैं। अब इसमें से देखिए इसको ऐसे करके लेंगे, और इसको इस तरीके से देखिए इस पर ऐसे करके सिलाई लगा देंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा के, और ये नीचे की साइड में एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए
और एक सिलाई यहाँ पे और लगाएंगे। ये इस तरीके से अब ये देखिए जैसे ये लग गई, ये बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में, ना इधर कोई झोल है ना कुछ, एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में लग गई। इसी तरीके से सेम दूसरे पोंछे पे भी लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने ये लगा लिया है और इसमें मैंने लगाई है 2666। आप इसमें पेस्टिंग भी लगा सकते हैं ताकि हार्ड हो जाए, हमने ये लगाया थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। अब ये देखिए इस तरीके से ये लगाने के बाद में अब हमें इसमें डालनी है बेल्ट, और बेल्ट के साथ साथ इसमें लगाना है हमें प्लेटें। तो देखिए ये इसको इस तरीके से रख लेंगे और बेल्ट पे हमने देखिए ये दो सिलाई इस तरीके से लगा ली, यहाँ पे लगा ली है और यहाँ पे लगा ली है इस तरीके से। अब बेल्ट को हम नाप लेंगे यूँ इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से जो आ रहा है बेल्ट, ये आ रहा है तकरीबन 2 इंच कम जो हमने ये इसका निशान लगाया है। इसको देखिए इस तरीके से ऐसे करके पकड़ेंगे। और हाँ, प्लेट डालने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि आपने जो ये प्लेट डाली है ना, जिस रुख पे आपने ये प्लेट डाली है इसी रुख पे ही आपको ये वाली प्लेट भी डालनी है ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि ये वाली आपने इधर डाली और ये इधर डाल देंगे तो फिर आपकी ये सही नहीं बैठेगी। इस तरीके से देखिए ये देखिए, अब ये वाली इधर आ गई तो इसका देखिए जो हमने ये जवाबी डाली थी, तो ये वाला हिस्सा इस साइड में जाएगा, तो आप इसको आराम से ऐसे करके इधर की साइड में डालेंगे। ये देखिए ऐसे करके, तो ये सारी प्लेटें मैं डाल ले रहा हूँ और डालने के बाद में फिर बेल्ट किस तरीके से चढ़ाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरीके से बराबर प्लेटें डालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 प्लेट हमारी हो गई है। अब ये देखिए हम इसको इस तरीके से, क्योंकि बेल्ट में जो है हमें नाड़ा नहीं, हमें लास्टिक लगानी है, तो ये 20 सेंटर से ऐसे करके लेंगे और यहाँ से देखिए इसकी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए अब बैक में एक प्लेट, ये इस तरीके से जितना भी आपका कपड़ा आता है आप उसको या तो पहले डाल लें या तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए ये देखिए, ये इस तरीके से इसकी बेल्ट को हमने पूरा ये चढ़ा दिया ऐसे करके। अब हमें इसके अंदर लास्टिक डालनी है, तो पहले लास्टिक काट लेते हैं, फिर लास्टिक को किस तरीके से डालेंगे वो आपको बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने लास्टिक को इस तरीके से ये कटिंग कर लिया है। करने के बाद में देखिए लास्टिक जो है हमने अपने हिसाब से कमर के डाल लिए, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डालें। अब ये देखिए इसको हम इस तरीके से आपस में ऐसे रख के बराबर से, और ये सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, अब ये सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको ऐसे खींचेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी खींचेगा नहीं ढंग से, यहाँ से चोड़ बिल्कुल नहीं जाएगा कहीं पे। और ये जो है आपका ये ऊपर जो चढ़ा के लगाते हैं ना, वो थोड़ा सा गड़ने का डर रहता है, तो ये गड़ेगा भी नहीं। अब ये देखिए, ये जो सलवार है इसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे ऐसे,
ऐसे करके, और लास्ट स्टिक जितनी हमें लगानी है उससे एक सूत एक्स्ट्रा इसको फोल्ड करेंगे ताकि जब हम ये सिलाई लगाएं तो लास्ट स्टिक पे ये सिलाई नहीं चढ़े। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अगर सिलाई लास्ट स्टिक के ऊपर चढ़ जाएगी तो वो खींचेगी नहीं और बैठेगी भी नहीं सही करके, फिर सिलाई वहाँ से आपको तोड़ना पड़ेगी या काटना पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी मैं लास्टिक ये लगा लूँगा, और लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में देखिए, एक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है लास्टिक की, ताकि ये लास्टिक फोल्ड ना हो। इस तरीके से देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई लग गई। अब हमें इसकी गिदरी की सिलाई, मतलब ये नीचे वाली जो सिलाई होती है साइड की, ये लगानी है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से ये रखेंगे, और इसकी मोरी हमें कितनी रखनी है इसको इस तरीके से दोनों मिलाएंगे। उसके बाद में ये देखिए इस तरीके से ये निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे सिलाई पक्की। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो जोड़ है ना, इनको देखिए इस तरीके से दोनों मिला लेंगे यहाँ पे बराबर। इस तरीके से, और देखिए यहाँ पे भी ये बराबर मिला लेंगे। और यहाँ पे कर लेंगे हम सिलाई पक्की। ये देखिए ये भी जोड़ इस तरीके से मिला लेंगे दोनों, इस तरीके से, और इसको भी देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, और ये जो मोरी है इसको इस तरीके से रखेंगे ऐसे, देखिए एक दूसरे के ऊपर, और ये निशान लगा लेंगे ऐसे करके। इस तरीके से देखिए, अब एक सिलाई और लगा लूँगा और इंटरलॉक करके इसको फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी इस तरीके से फाइनल लुक है। अब ये देखिए, हमने इसको हल्की हल्की इस तरीके से प्रेस लगा दिए, ये ऊपर से भी लगाइए, जब पहनेंगे आप तो ये इस तरीके से आएगी। ये देखिए इसके अंदर ये इस तरीके से पूरी ये मोरी में आएगी, दोनों मोरी आपकी जब आप पहनेंगे ना तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है। ये अफवानी सलवार है, इसको पहले लोग बोलते थे अलिफ लैला सलवार, अलिफ लैला में भी ये इस तरीके से पहनी जाती थी। तो ये देखिए मैं इधर दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, जब ये पहनेंगे आप देखिए, पहनने के बाद में इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी, जब आप डाल लेंगे ना तो बहुत अच्छी लुक आती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।